नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। देखिए, आज मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। आज गर्मी में, वैसे गर्मी से थोड़े परेशान तो हैं ही, पर बादल हल्का दिख रहा है, सूरज थोड़े ढके हुए हैं, थोड़ी अच्छी लगा, मतलब अच्छी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। और गार्डन का ज़रा व्यू देखते हुए मैं चलती हूँ। आज थोड़ा हार्वेस्ट करने की सोच रही थी। ये मेरा लेडी फिंगर, एक एक ही अभी आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, इसलिए मैं डेली एक एक निकाल लेती हूँ। और फिर से लिली फ्लावर आ गया है, और ये है सदाबहार, ही बोलते हैं, एक काफ़ी नया प्लांट्स है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा अब दिखा रही थी आपको। और ये गजनिया और भेजीज का, आप चलते हैं भेजीज की तरफ, क्योंकि आज हमें वहाँ थोड़ी हार्वेस्ट करनी है। ये है मेरा भेजीज का एरिया, भेजीज जहाँ प्लांट्स हैं। आज मैं मालाबार इस पेंच को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा खासा इसका ग्रोथ हो गया है। ये देख, टमाटर तो अब गर्मी में थोड़ा कम ही आ रहा है। टमाटर पत्ते सारे सिकुड़ रहे थे छत पे, तो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ बालकोनी में लगाने का। देखती हूँ जब अच्छा ग्रोथ हो जाएगा तो मैं उसका भी अलग से आपको दिखाऊंगी बनाकर। कुछ मिर्ची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, अभी बीमारी की वजह से मार्केट जाना तो बंद हो गया है, मार्केट जा नहीं पाते। कुछ कुछ सब्जी वेजिटेबल मैं अपने टेरेस पे ग्रो कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है मुझे। मिर्ची पुदीने और ये सब मतलब मिल जाता है टेरेस पे, और 2-3 दिन में कुछ बैंगन वगैरह भी निकल आता है। एक दो बार घिया भी, जो लौकी है वो भी 3-4 बार टूट चुका है। और कुछ कुछ उस पिंच साग वगैरह चलते हैं। देखिए, बस मिर्ची हमारे यहाँ कम ही खाते हैं, फिर भी मिर्ची मैं खाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मिर्ची मैं ज़रूरी रखती हूँ अपने पास। प्लांट्स ज़रूर ग्रो करी। 2-3 वेराइटीज़ के भी मेरे पास मिर्ची हैं, जिसकी मैं अलग से कभी दिखाऊंगी आपको। अब बाड़ी आती है ये मालाबार स्पिंच की हार्वेस्ट करने की। थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए टाइम लग सकता है। काफ़ी हेल्दी होता है मालाबार स्पिंच का। कुछ भी आप बना सकते हो, इसकी सब्जी भी यूज करते हैं। और मैं पकोड़े आज बनाऊंगी, काफ़ी, देखिए